नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। और अब बात बीजेपी नेता बग्गा पर जारी बवंडर की। एक कोर्ट से वारंट, दूसरे से राहत, बग्गा पर नॉनस्टॉप बवाल। तो बग्गा पर बीजेपी और केजरीवाल की जंग में आज एक नया मोड़ आ गया है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपनी गिरफ्तारी को बेअदबी मामले से जोड़ दिया है। बग्गा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी इसलिए कराई क्योंकि वो बेअदबी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बग्गा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बेअदबी करने वालों का प्रमोशन करा दिया है। बग्गा ने कहा कि केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है। बग्गा ने कहा कि अब वो चाहे 100 FIR दर्ज हो जाए, डरने वाले नहीं है। बग्गा ने उनकी पगड़ी मामले में अल्पसंख्यक आयोग की नोटिस का स्वागत किया। अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा के उस आरोप पर पंजाब के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी के वक्त पंजाब पुलिस ने बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी। अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि सत्ता के बल पे, पुलिस के बल पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं, झुका सकते हैं, तो फिर से उनको कहते एक नहीं 100 FIR कीजिए। जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, आपने उनको प्रमोशन दे दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपको उन लोगों को हटाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को जेल की सराखों में डालना पड़ेगा जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की, नहीं तो ये सवाल मैं बार बार पूछूंगा। और अगर इसके लिए मुझे एक नहीं 100 FIR भी आपकी सरकार की झेलनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए, उनको रात को नींद नहीं आ रही है कि किस तरीके से हमें जेल में डाले, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे सवाल पूछते हैं उनको जेल में डाले। मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे डरने वाला नहीं। आप FIR करके, आप पुलिस का गलत इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप हमारी आवाज बंद करा लेंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचा लेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये सवाल आपके तब तक पूछे जाएंगे जब तक हम गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डलाएंगे। पटका बांधने का, पगड़ी बांधने का, सिर ढकने का कुछ मौका दे दीजिए। उन्होंने कहा अब सर तेरा तो पंजाब में जाकर ढकवाएंगे। उनकी जो एक लेडी ऑफिसर साथ में आई थी उसने कहा कि बांध लेने दीजिए। इस मामले में एक और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी नेता बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने मंगलवार सुबह 11 बजे तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक का फैसला आधी रात को आया। बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद उनके घर पर आधी रात जश्न शुरू हो गया। बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 3 दिनों से 3 राज्यों के बीच जंग छिड़ी हुई है। कल इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मोहाली कोर्ट ने वारंट जारी कर बग्गा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया, लेकिन बीजेपी तुरंत एक्शन में आई, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आधी रात हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर मंगलवार की सुबह तक रोक लगाने का फरमान जारी किया। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी हुई है। सिसोदिया ने कहा ट्वीट लिखकर कि बीजेपी एक गुंडे को बचा रही है और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुंडे को बचाने में लगी बीजेपी विधानसभा नहीं बचा पाई। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें एक गुंडे को बचाने में पूरी तरीके से व्यस्त है। दिन रात उनको कहना है कि हमें गुंडा बचाना है, गुंडा बचाना है। और आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा, जहां पर सबसे अच्छी सुरक्षा होती है, वहां खालिस्तानी झंडा फहराकर चले गए। क्यों? क्योंकि पूरी बीजेपी तो लगी हुई है गुंडे को बचाने में, रात में हाईकोर्ट खुलवा रही है, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे हिमाचल प्रदेश सुरक्षित रहेगा? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार बोला है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों पर ऐसे गिरफ्तारी होने लगी है। आम आदमी पार्टी ने कई नेता
इस पार्टी के कई नेता बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। खुद केजरीवाल पीएम मोदी पर कमेंट कर चुके हैं, ऐसे कार्रवाई होती रही तो केजरीवाल पर तो 20 राज्यों में एफआईआर हो जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी केजरीवाल पर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल दूसरे दल के नेताओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो इसी तरह की स्थिति बनती है, और उससे भी खराब होती है जब चौकीदार चोर की भूमिका में आ जाए। आज वही हो रहा है कि आप जो है वो अपने जो आपकी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उसका बदला लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, पावर का इस्तेमाल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए करो, लोगों की प्रोग्रेस के लिए करो, न कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए करो। अब ये प्रताड़ित करने में ज़्यादा लगे हुए हैं, कहीं की पुलिस कहीं भेजेंगे, अपने विरोधियों को जो है परेशान करेंगे। पंजाब के मंत्री, मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के MLA, वो सब दिल्ली में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ में ऐसे ही कि उन्होंने ट्विटर पर कुछ बोला, मैंने कई बार देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं बोला, बहुत खराब खराब बोला। उसके बाद अगर हम इस तरीके की राजनीति में अगर कोई जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर में दिल्ली में 20 राज्यों में देश में उनके ऊपर में FIR हो जाएगी। तो कौन इस ये राजनीति कोई अपना विकास नहीं लेके आ सकती है। मुझे खुशी मिली इतनी आंचल में ना समाए। असी कोई बड़ा नहीं कर रहे, असी ते अकॉर्डिंग टू लॉ जेड़ा काम पुलिस कर रही है। अहंकारियों की और दुराचारियों की, बदलाखोरी करने वाले लोगों की बहुत बड़ी हार हुई है। दस्तावेज है 24 घंटे के अंदर दो बार केजरीवाल की करारी हार का। आधी रात 11:50 पर आदेश आया, हाईकोर्ट के जज अनूप चितकारा ने फैसला सुनाया। 10 मई सुबह 11 बजे तक बग्गा की गिरफ्तारी पर फुल स्टॉप लग गया। 2 दिनों के अंदर लगातार दूसरी बार आधी रात हुई है केजरीवाल की हार। शुक्रवार शनिवार की आधी रात दिल्ली के द्वारका कोर्ट के जज के आदेश के बाद बग्गा घर लौटे थे, और अब शनिवार रविवार की आधी रात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। फैसला चंडीगढ़ में सुनाया गया और दिल्ली में बग्गा के घर पर 24 घंटे के अंदर दूसरी बार जश्न शुरू हो गया। आप ये देखिए, कल घटनाक्रम हुआ और आज एक नहीं दो वारंट निकल गए। ये क्या दर्शाते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये केजरीवाल की मानसिकता दर्शाते हैं कि किसी भी तरह इसे घीस के खसीट के ले आओ, समझे ना। आपके आपके पास नियम कानून है तो दूसरों के पास भी नियम कानून है। रास्ता चोर सिपाही का ये चलता रहेगा। अभी वो फिर से कोई ना कोई नया दाव खेलेगा, नया से नया मुकदमा डालने की कोशिश करेगा। असी ते अकॉर्डिंग टू लॉ जेड़ा काम पुलिस कर रही है, सानू ते खाम खां इहदे च इनवॉल्व कीता है। पुलिस एक विदाउट पोलिटिकल इंटरफेरेंस काम कर रही है पंजाब दी, और एक प्रोसीजरल लॉ नू फॉलो कर रही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। देश दे ऑनरेबल होम मिनिस्टर FJ दंगा भड़काऊ लोगों की पिठ ते खड़नगे और पंजाब पुलिस की कार्रवाई च बाधा पाउणगे कानूनी कार्रवाई। तो मैनू लगता है इस तो मंदभागी गल की हो सकती। शुक्रवार सुबह से बग्गा पर सियासत गर्म है। पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने गई थी, दिल्ली पुलिस छुड़ा कर ले आई। हार से तमतमाई पंजाब सरकार ने मोहाली कोर्ट में गुहार लगाई। निचली अदालत ने बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके बाद BJP एक्शन में आई और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई, और आधी रात को बग्गा की गिरफ्तारी का पंजाब पुलिस का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। तो यहाँ पर जो तेजिंदर बग्गा है उनकी तरफ से वकील पेश हुए, और पंजाब सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं अनमोल रतन, वो यहाँ पर पेश हुए, और यहाँ पर बकायदा जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है सतपाल जैन वो भी यहाँ पर थे, और जो तेजिंदर बग्गा की तरफ से जो एडवोकेट थे अनिल मेहता वो यहाँ पर पेश हुए। और जिस तरह से ये जो गिरफ्तारी की तलवार जो थी तेजिंदर बग्गा के ऊपर, जब नया वारंट जो है वो जारी हुआ उसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उसको अब
राहत जो है वो मिली है। कानूनी जंग में जीत के बाद बीजेपी का उत्साह सातवें आसमान पर है और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मंगलवार तक तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस का डर नहीं रहेगा। पंजाब पुलिस ने मोहाली मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच किया और वारंट्स ऑफ अरेस्ट इशू करवाए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ, जिसकी हमें अप्रीहेंशन है कि शायद पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उसका मिसयूज करके गलत तरीके से उसको, तेजिंदर पाल बग्गा को अरेस्ट कर सकती है। उसी अप्रीहेंशन के तहत हम हाईकोर्ट में हमने आज अप्रोच किया और हमारा मैटर अभी लगा एंड हाईकोर्ट वॉज काइंड इनफ टू ग्रांट इंडल्जेंस एंड द अरेस्ट हैज बीन स्टेड ऑफ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा टिल 10th of May। 10 मई तक बिल्कुल राहत है उनके पास, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। बाकी 10 तारीख को जो कोर्ट में मुकदमा लगेगा वो वहाँ पर तय किया जाएगा कि आगे प्रोसीडिंग्स क्या होंगे। तो क्या पंजाब सरकार की तरफ से भी कोई दलील यहाँ पर दी गई अंदर? पंजाब सरकार की तरफ से उनके एडवोकेट जनरल डॉक्टर अनमोलतन सिद्धू वहाँ पर उपस्थित थे और स्टेटमेंट उन्होंने खुद दी है कि वो कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं करेंगे 10 मई तक। अहंकारियों की और दुराचारियों की, बदलाखोरी करने वाले लोगों की बहुत बड़ी हार हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी को जरूर एहसास हुआ होगा कि आप बदलाखोरी की एक सीमा होती है, आपने सारी सीमाएं नांग दी। क्यों आप एक सिख नौजवान को पंजाब पुलिस के पास तो जाके उसे टॉर्चर करवाना चाहते थे, क्यों उनको पिटवाना चाहते थे? कैसी मानसिकता आपकी, इतनी गिरी हुई घटिया मानसिकता और ये आपकी सोच है कि आप लोगों को पिटवाना चाहते हैं, टॉर्चर कराना चाहते हैं? क्या देश ने आपको पंजाब की सत्ता इसलिए दी है? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली की सियासत में बीजेपी और केजरीवाल की लड़ाई कोई नई नहीं है, मुद्दा बदल जाता है लेकिन जंग खत्म नहीं होती। अब बग्गा मामले में ये सियासी दुश्मनी एक बार फिर भड़क गई है। पहला राउंड केजरीवाल हार चुके हैं, फाइनल राउंड में कौन जीतेगा इसका फैसला अभी बाकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।